क्या बकवास कर रही है तू? इतनी बड़ी रकम मांग ली तूने? वैसे भी जो शोशा यहाँ छोड़ के गई है ना तू, उसके बाद तो उसके मजाज ही नहीं मिल रहे, इतना बड़ा बूथा बना हुआ उसका। तो मामा कुछ करे ना, वरना मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जानी है। वैसे खुदा पाक की कसम, मैंने सोचा नहीं था कि ये कलीम इतना चूड़ा निकलेगा, इतना लालची निकलेगा। तेरे भाई के ठाट देख के उसे रानी के सड़ के सुहा हो गया। कुछ भी है, अगर एक दफा सोचे कारोबार जम गया तो फायदा किसका है? मेरा ही है ना, और ससुराल में अलग शो बैठ जाएगी मेरी। लेकिन ये काम समझो कि नामुमकिन है। तो जानती नहीं उसको कितनी बदमिजाज है, मुंह ना मत्था जिन पाड़ो लथा, उसके तो मजाज ही नहीं मिलते। अम्मा इस वक्त उसका सबसे बड़ा मसला है सौकन। आप उसके पास जाएं, उसे कहें कि अगर वो आपका साथ देगी ना इस काम में, तो आप उसका ये मसला सिरे से खत्म कर देंगी, फिर वो मान जाएगी। अम्मा हाय नहीं, मैं की दसा तेनों, सब गोल ते कुछ ना गोल, वो तो पहले ही वादा ले चुकी है तबरेज से। क्या क्या मतलब? भाई दुर्योधन को छोड़े? बस कुछ ऐसी बात है, मैं क्या बताऊं तुझे। कुछ भी है, फिर भी आप उसके पास जाएं और उसे यकीन दिलाएं कि आप भाई के इस फैसले में उसके साथ हैं, आप उसकी मदद करेंगी। हाय की तू मेरे वक्त बात है, मेरे से कैसे होगा ये सारा कुछ? सीबत सारे ड्रामों की एक्टिंग इकट्ठी करके करनी पड़ेगी स्यापा। अम्मा समझने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा करती हूँ कुछ, अब रो ना ना, करती हूँ कुछ, परेशान ना हो, सोच रही हूँ। जल्दी से जल्दी करें ये। ओके भाई।